हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 30 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पिछले कुछ दिनों से हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का है वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन आज के बाद डेली सुबह आपको हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वें धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया बिहार के राजगीर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है। जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा, और इसका उद्देश्य आतंकवाद, हिंसा, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक करना। और ये जो सम्मेलन है ये हिंदू और बौद्ध धर्म के जो विशेषज्ञ हैं, चिंतक हैं, उनके लिए विचार विमर्श हेतु एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया बिहार के राजगीर शहर में, जिसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है VK जौहरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो BSF संस्था है इसका जो हाईएस्ट पोस्ट होता है उसका नाम होता है महानिदेशक, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। तो आपको याद रखना है BSF के नए DG नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है VK जौहरी को। BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल BSF का कार्य है कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करना। BSF की स्थापना की गई थी 1965 में। BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अलावा आपको तीन संस्थाओं के और नाम याद रखना है। पहला है ITBP, ITBP जिसका पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ITBP को जिम्मेदारी दी गई है भारत और चीन के बॉर्डर की सुरक्षा करना। SSB सशस्त्र सीमा बल की को जिम्मेदारी दी गई है भारत नेपाल और भारत भूटान के बॉर्डर की सुरक्षा करना। असम राइफल्स को जिम्मेदारी दी गई है भारत और म्यांमार के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, हाल ही में प्राकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्राकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश बापट को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि गिरीश बापट कौन है। तो गिरीश बापट सांसद हैं पुणे महाराष्ट्र से, BJP पार्टी से। प्राकलन समिति क्या होता है? प्राकलन समिति को इंग्लिश में बोला जाता है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी यानी कि जो प्राकलन समिति है, संसद की कुछ महत्वपूर्ण जो कमेटियां हैं उनमें से एक हैं, जिसका कार्य है शासन पर वित्तीय नियंत्रण करना, यानी कि जो सरकार द्वारा खर्चे किए जाते हैं उन पर नियंत्रण करना, तथा सभी विभागों को जो के द्वारा जो खर्चा किए जाते हैं उनकी जाँच करना, तथा फिजूल खर्चा जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं उनको रोकना, तथा उसके बारे में सुझाव देना। जो प्राकलन समिति होती है इसके अंतर्गत जो टोटल सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 30। तो आपको याद रखना है प्राकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गिरीश बापट को, जो कि पुणे महाराष्ट्र से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो व्हाट्सएप ने भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के वर्तमान हेड हैं, चेयरमैन हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। यहाँ पे बात की गई व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप से हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। व्हाट्सएप के फाउंडर दो लोग हैं, जैन कुम और ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप के वर्तमान में CEO हैं चेरिस डेनियल, और व्हाट्सएप जो कंपनी है वर्तमान में फेसबुक कंपनी की पेरेंट कंपनी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो व्हाट्सएप कंपनी है इसकी मालिक कंपनी कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो उत्तर होगा फेसबुक, जिसके फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। तो आपको याद रखना है व्हाट्सएप ने भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच, हाल ही में हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए भागीदारी देश के लीके रूप में किस देश को आमंत्रित किया है? भागीदारी देश का मतलब है पार्टनर कंट्री। तो हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए पार्टनर देश
भागीदारी देश के रूप में नेपाल देश को आमंत्रित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ये प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसका उद्देश्य जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें बुद्धिमान ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा उस पर चर्चा करना। तो आपको याद रखना है हरियाणा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2019 के लिए नेपाल देश को भागीदार देश के रूप में चुना है। नेपाल जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है काठमांडू, नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपी और नेपाल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में USA यानी कि अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है सुदर्शन पटनायक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि सुदर्शन पटनायक कौन है। तो सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, इन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में होने वाले रेवरे बीच इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल में एक रेत पर कलाकृति बनाई थी जिसका उद्देश्य था स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन सेव अवर ओशन। इसी रेत की कलाकृति के लिए सुदर्शन पटनायक को अमेरिका के द्वारा पीपल्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है पीपल्स चॉइस अवार्ड 2019 दिया गया है अमेरिका के द्वारा सुदर्शन पटनायक को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डेन कूपर राय का निधन हो गया है? तो जो डेन कूपर राय थे ये मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी मेघालय। जो मेघालय राज्य है इसकी राजधानी है शिलांग। मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मेघालय राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। अब आपको दो राज्यों के और मुख्यमंत्री याद रखना है जो कि रिसेंट में डेथ हुआ है। जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का निधन हो गया है और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री PV जानकी रमन का निधन हो गया है। तो ये तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम आपको याद रखना है। डेन कूपर रॉय जो कि मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका अभी अभी निधन हो गया है। शीला दीक्षित जो कि दिल्ली राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका भी निधन हो गया है। RV जानकी रमन जो कि पुडुचेरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी शहर में। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है ये इसका तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था पुणे महाराष्ट्र में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था तो उत्तर होगा पुणे में। 2020 में इसका आयोजन किया जाएगा गुवाहाटी शहर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है तो अब हम यहां से आपको दो क्वेश्चन बताएंगे जो कि दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी अभी SSC CGL के एग्जाम में पूछा गया था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनका पहले नाम क्या था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले नाम था 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और यहाँ से स्कूल शब्द को हटा के इसमें नया शब्द जोड़ा गया है यूथ। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL टायर 1 में। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये प्रतिवर्ष जनवरी से फरवरी महीने के बीच में आयोजित किए जाते हैं। ये दो कैटेगरी में आयोजित किए जाते हैं, Under-17 स्कूल स्टूडेंट और Under-21 कॉलेज स्टूडेंट। जो भारत के स्कूल और कॉलेज के Under-17 और Under-21 स्टूडेंट हैं उनके टैलेंट को निखारने के लिए तथा उनके टैलेंट को पता करने के लिए भारत सरकार ने 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्थापना की थी, जो कि 2018 में आयोजित किए गए थे नई दिल्ली में, 2019 में आयोजित किए गए थे पुणे में और 2020 में आयोजित किए जाएंगे गुवाहाटी शहर में। जो गुवाहाटी शहर है ये असम राज्य का एक शहर है। यहाँ से अब आपको तीन क्वेश्चन याद रखना है। गुवाहाटी शहर जो है यहाँ पे 2019 के आयोजित किए गए थे नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता। इसके अलावा जो गुवाहाटी शहर का रेलवे स्टेशन है ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि 100% सोलर पावर से चल रहा है। जो गुवाहाटी शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको गुवाहाटी शहर से याद रखना है। वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में सातवीं आर्थिक
जनगणना की शुरुआत हुई है। तो सातवीं आर्थिक जनगणना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस, की सेंसस की जो जनगणना, ये किस राज्य में शुरुआत हुई है? तो सेवेंथ इकोनॉमिक सेंसस की शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक सेंसस जो है ये 5 वर्ष पे आयोजित किया जाता है, जो जनरल सेंसस है ये 10 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। जो इकोनॉमिक सेंसस है ये आयोजित किया जाएगा, इसकी गणना की जाएगी सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, और ये प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। जो पहला इकोनॉमिक सेंसस, पहला आर्थिक जनगणना थी, इसका आयोजन किया गया था 1977 में। और जो पांचवा आर्थिक सेंसस, यानी कि जो सातवां आर्थिक जनगणना है, इसकी शुरुआत की गई है त्रिपुरा राज्य से। त्रिपुरा जो राज्य है, इसकी राजधानी है अगरतला, और यहाँ के अभी नए गवर्नर बने रमेश बैंस, और त्रिपुरा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था SSC CHSL में कि जो वह भारत का राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है कौन सा है? तो आपको बताना है कि जो भारत का त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। यहाँ पे जो आपको रेड सिंबल दिख रहा है ये है भारत का त्रिपुरा राज्य, जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHSL के एग्जाम में कि भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये मनाया गया 29 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। अब आपको यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन गणना लॉन्च की गई, उसके अनुसार भारत में वर्तमान में जो बाघों यानी कि टाइगर की संख्या है वो है 2967। ये जो है भारत में अभी तक के गणना में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। तो ये आपको डेटा जो है याद रखना है कि बाघ गणना 2018 के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या है 2967, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं टाइगर हैं वो भारत देश में है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2019 मनाया गया है 28 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब आपको इसका थीम याद रखना है, 2019 के विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम था इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। अब आपको पता होना चाहिए कि 28 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय जो हेपेटाइटिस दिवस है क्यों मनाया जाता है। तो 28 जुलाई 1925 को वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक बलमबर्ग का जन्म हुआ था, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किया था। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस दिवस। जो वैज्ञानिक बारुक बलमबर्ग थे, इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज भी की थी, इसके साथ ही साथ इसके वायरस की भी जो वैक्सीन है उसकी भी खोज की थी। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद रखना है, जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है इसके लिए प्रतिवर्ष एक होस्ट नेशन होता है, जो कि इस साल था पाकिस्तान। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जर्मन ग्रापरी 2019 किसने जीत लिया है? तो जर्मन ग्रापरी 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो मैक्स वेस्टापेन हैं ये बेल्जियम डच कार रेसर हैं, और ये रेड बुल टीम के लिए खेलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, जर्मन ग्रापरी 2019 को जीत लिया है मैक्स वेस्टापेन ने, जो कि बेल्जियम डच कार रेसर हैं और ये रेड बुल टीम के लिए खेलते हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी तक 2019 में टोटल 11 रेसें हुई हैं, जिसमें से 7 रेसों को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं।
इंग्लैंड के रेसर हैं, सॉरी लुइस हैमिल्टन ने 2019 के कनाडियन ग्रांप्री 2019 को जीत लिया है, चाइना ग्रांप्री को जीत लिया है, बहरीन ग्रांप्री को जीत लिया है, स्पेनिश ग्रांप्री को जीत लिया है, मोनाको ग्रांप्री को जीत लिया है, फ्रेंच ग्रांप्री को जीत लिया है और ब्रिटिश ग्रांप्री को जीत लिया है। तो ये हैं 7 रेस जिनको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। बाकी के 4 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है वोल्टारी बोटास ने, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को जीत लिया है वोल्टारी बोटास ने, ऑस्ट्रियन और जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2019 को इन दोनों को जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने। तो ये आपको 11 जो रेस हैं ये सभी आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के वीडियो के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2019 में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और कल से जो मेरा वीडियो आएगा डिटेल में रहेगा, आज थोड़ा कम डिटेल में क्योंकि थोड़ा कनेक्टिविटी गड़बड़ा गया है, लेकिन कल से हम उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो मेरा वीडियो रहेगा कम्प्लीट डिटेल में रहेगा। अगर हमारा चैनल अभी तक एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुंच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।